होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील की टप्पा तहसील शिवपुर में शासकीय माध्यमिक स्कूल के पास स्थित शराब दुकान हटाने का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को शिवपुर की महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को सौंपा। शराब दुकान हटाने को लेकर विगत कुछ महीनों से शिवपुर के ग्रामीणों सहित किसान कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रशासन के लचर रवैये के चलते ग्रामीणों का रोष बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस और प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। तहसील पहुंची महिलाओं को प्रशासन से लगी उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी तो महिलाओं ने भारत माता से भी इसकी गुहार लगाते हुए तहसील कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। प्रशासन का रवैया इस कदर लचर और उदासीन है कि जब महिलाएं नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को शराब दुकान हटाने की समस्या बता रही थी तो नायब तहसीलदार ने उनकी बातें तक ठीक से नहीं सुनी। महिलाएं अपनी समस्या बता ही रही थी कि नायब तहसीलदार ने उन्हें अनुसना करते हुए ज्ञापन लेकर कार्यालय में चली गई, जबकि महिलाएं शराबियों द्वारा होने वाली परेशानी नायब तहसीलदार को बता रही थी। महिलाओं का कहना है कि तहसील सिवनी मालवा की टप्पा तहसील शिवपुर के मुख्य बाजार में शासकीय माध्यमिक स्कूल के करीब शराब की दुकान से रहवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शराबियों द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं से गाली गलौच और अभद्रता करते हुए अश्लील टिप्पणी भी की जाती है, जिसके कारण स्कूली छात्राएं सहित महिलाएं बाजार में आने पर इस अप्रिय स्थिति निर्मित होने के कारण कतराती है। शराबियों द्वारा छेड़छाड़ और स्कूल के पास स्थित शराब दुकान होने के कारण समस्त ग्रामीण बहुत परेशान है। शराब दुकान और शराबियों द्वारा होने वाली अभद्रता को लेकर पहले भी कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की भी जा चुकी है। कई बार महोदय जी के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके शराब दुकान अभी तक नहीं हट पाए है, जिसके चलते ग्रामीण महिलाएं सहित छात्राएं काफी परेशान है। महिलाओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपते हुए टप्पा तहसील शिवपुर में शासकीय स्कूल के पास स्थित शराब दुकान को जल्द से जल्द हटाए जाने की मांग की, जिससे महिलाओं और छात्राओं को परेशानियों से निजात मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा बसकली हरियाले। क्या समस्या आ रही है शराब दुकान? हमें दारू के ठेके से बहुत परेशानी होती है, सब दारू पी के गंदी गंदी गालियां बकते हैं और तब हम उनसे बोलते हैं कि गंदी गालियां मत बको, तो वे उल्टी और हमारे को डांटते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले सुनते नहीं है। एक बार पुलिस में रिपोर्ट की तो पुलिस वाले आए, मैडम भी खड़ी, पुलिस वाले भी खड़े और उनके सामने तीन चार भाटे आए दिन में 12 बजे, पत्थर चले पुलिस वाले के सामने, पत्थर चले मैडम के सामने, पत्थर चले, कोई सुनवाई नहीं हमारी। क्या नाम है आपका? कृष्ण भाई मंडराई। तलाली से परेशानी है हमें, आपत्ति हमारे घर के साइट में ही हो और 12 बजे तक खुली रहती है और 8 बजे खोल देते हैं हमें और इतने अनशन बकते हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे घर में कोई बहन बेटी नहीं है कि कोई नहीं है, तो हम भी और बोला है तो क्या कि हम रोड पे हैं, तुम्हारे घर पे नहीं है, ऐसे बोलते हैं तो उनको बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं गांव के लोग। अब हमको क्या पता, ऐसे गांव वाले उन बोलते हैं और क्या कि तुमको होशंगाबाद जेल में बंद करेंगे, क्योंकि महिला जो जाएगी सब कोई भी जाओगे तो क्योंकि जितनी महिला जाएगी सबको बंद करा देंगे। गांव वाले बोलते किस किस का नाम ले हमारे? क्या नाम है? माया भाई। क्या समस्या आती है दारू की दुकान? हमारे मोहल्ले में दारू की शराब की दुकान है, बहुत परेशानी है भैया। पुलिस जो आते हैं सब पीने वाले तो गाली गलौज देते हैं सबको, बाइक और लेडीज को भी देते हैं गाली गलौज, हम बोलते तो हमको भी देते, हम पे उलट जाते। हमने कई बार उनको समझाया, कई बार थाने भी गया हम, पर थाने वाले भी नहीं सुनी हमारी। हमने वहाँ भी कलस्टर को भी दिया, कलस्टर ने भी हमने नहीं सुनी। हमको बताया था कहने लगे 15 दिन में हट जाएगी, तो 15 दिन में भी नहीं हटी। फिर हाँ, सात रोज की एक बार बोली, फिर 15 दिन की बोली वो भी नहीं हटी, फिर 3 महीने की बोली वो भी नहीं हटी भैया। अब हटना चाहिए, बहुत मोहल्ले की बहुत लोग। क्या नाम है आपका? मैं महेश धनवारे, वार्ड मेंबर। मैं विगत 5 सालों से शराब दुकान को उस स्थान से हटाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं की। इसके पश्चात मैं
पंचायत में भी प्रस्ताव दे चुका हूँ, थाना प्रभारी को भी दे चुका हूँ, SDM साहब को, आबकारी विभाग को, सभी लोगों को विगत 5 वर्षों से आवेदन देता चला आ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग सब परेशान हो गए, तब हमने ये आंदोलन जारी किया, शासन प्रशासन हमारी सुनवाई करे, उक्त स्थान से दुकान को हटाए। मैं विगत 5 सालों से बाढ़ के सभी लोगों के साथ समस्या से जूझ रहा हूँ, शासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि उस स्थान को आगामी ठेका जो निलामित होता है उस स्थान को ठेके के लिए चिन्हित ना करे। इस स्वरूप 24 तारीख को अपने तहसीलदार साहब, आबकारी विभाग से आदरणीय फौजदार जी, सभी लोग ग्राम पंचायत में उपस्थित हुए। हम लोगों ने उनके सामने निवेदन किया, उन लोगों ने हमें ये आश्वासन दिया निवेदन के साथ में कि हम 28 मार्च के पहले उस स्थान से दुकान को स्थान परिवर्तित कर देंगे। लेकिन अभी तक जो पंचायत ने शराब दुकान खोलने के लिए जो जगह दी है उस स्थान पर कोई कार्य चालू नहीं किया गया है। तो आज मैं हमारे बाढ़ वासियों के साथ यहां आकर शासन प्रशासन को अवगत करा रहा हूं कि जो स्थान पंचायत ने दिया उस स्थान के ऊपर जल्द से जल्द बिल्डिंग तैयार कर शराब दुकान को वहां पर भिजवाने का कष्ट करे, एवं जब तक दुकानदार शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि कालीन तक जब दुकान खुली रहती है उस समय तक एक पुलिस प्रशासन का जवान वहां पर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को ये अवगत है कि हमारे साथ कुछ भी घटना इस बीच में हो सकती है। तो हमारा शासन प्रशासन से इसी विषय में अवगत कराने आया था, जो मैं लेटर देकर शासन प्रशासन को अवगत करा दिया हूँ। अगर हमारा ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।